Hello guys, this is Jassi, Faculty of English. Welcome once again to our channel GOODLUCK Institute. So in this video, I'm gonna let you know three different use of how. First, I would like to tell you about the first use of this how. This is a very common one. I think you must know about that. Let's begin with the first one. The first one is how. It means कैसे. और ये तो हमारा एक वैसे भी एक इंग्लिश फैमिली का पार्ट है. जैसे how did you like a video, मतलब आपको हमारा वीडियो कैसा लगा. नेक्स्ट हमारा जो बता दिया how can you all subscribe our channel, आप लोग हमारा चैनल कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं. दिस इज द मोस्ट कॉमन वन यूज ऑफ हाउ, जो हमारा एनएलएस फैमिली का एक पार्ट है और इसको जनरली आप यूज कर सकते हैं. बट माय टॉपिक बेस्ड ऑन थ्री डिफरेंट यूज ऑफ हाउ इज बेस्ड ऑन द सेकंड एंड थर्ड पार्ट. उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है और देखिए कैसे हम हाउ का इसके अलावा और कहां कहां हम इस्तेमाल कर सकते हैं. फाइन, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस हाउ व्हिच इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई नो यू गाइस आर ईगर टू सी दैट सेकंड पार्ट ऑफ द हाउ. फाइन, ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ हाउ. अब इस सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं उन सभी सेंटेंसेस के बारे में जब आप सुनते हैं लोग बोलते हैं कि मुझे पता है कैसे करना है, उसे नहीं पता है कैसे बोलना है, हमें पता है कैसे वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, या सब सबको पता है या सब जानते हैं कैसे लोगों से बात करते हैं. तो ये जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं इन सेंटेंसेस के अंदर हम अपने हाउ का बहुत सिंपल सा यूज करते हैं और इन सेंटेंस को बड़े ही आसानी से बना सकते हैं. आइए हम देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप इन सब्जेक्ट की बात करते हैं आई वी यू दे एंड प्लूरल की, तो आपको यहाँ पर अपना एक वर्ब है नो लगाना है जिसका मतलब होता है पता है या जानता है. और यहाँ पर फिर हम हाउ का यूज करेंगे इसका मतलब यहाँ पर हमारा कैसे हो गया. फिर हमें टू लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा. अगर आप नेगेटिव बनाते हो तो हमें इसी पूरे सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर अपना डोंट यूज कर देना, बाकी सारा रूल हमारा सेम चलेगा ऐसे के ऐसे ही. लेकिन अगर मैं बात करता हूं थर्ड पर्सन की यानी ही शी इट एनी नेम सिंगुलर, तो मुझे यहां पर नो की जगह नोज लगाना है क्योंकि यह हमारा इंडेफिनिट सेंटेंस बनता है सिंपल, जिसके अंदर हमारा थर्ड पर्सन हमेशा हमेशा सिंपल के अंदर हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगाना पड़ता है. तो उसके बाद हमें अपना हाउ लगाना है, देन टू वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट. और अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हमारा यहाँ पर डजंट आ जाएगा, डजंट लगते ही हमारा यहाँ पर सिर्फ नो आएगा, देन हमारा सारा का सारा रूल जो है वो सेम चलता रहेगा. फाइन, आइए कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाए. मानो हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पर मुझे पता है इंग्लिश में कैसे बात करते हैं. तो मुझे पता है मतलब हो गया आई नो. फाइन, इंग्लिश में कैसे बात करते हैं तो यहां आ गया हाउ टू टॉक इन इंग्लिश. हमने क्या किया सिंपल ये जो हमारा फॉर्मूला था उसको हमने फॉलो किया. फाइन, हमारा सब्जेक्ट आ गया आई नो, हमने यूज कर दिया, फिर हमने हाउ यूज कर दिया, टू आ गया, वर्ब आ गया, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया लास्ट के अंदर. एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे वी नो हाउ टू सर्च गुडलक इंस्टीट्यूट. फाइन, हम सबको पता है कि गुडलक इंस्टीट्यूट को कैसे सर्च करना है. फाइन, एक और एग्जांपल लेते हैं इसके नेगेटिव में हम, जैसे दे डोंट नो हाउ टू यूज वर्ड्स इन इंग्लिश, यानी उनको नहीं पता कैसे इंग्लिश के वर्ड्स इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, या उनको इंग्लिश वर्ड्स इस्तेमाल करना नहीं आता है, या इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल करना नहीं आता है. एक और एग्जांपल लेते हैं ही शी इट का, जैसे हमने बोला ही नोज, अब हमारे यहां पर नोज आ गया जैसा कि मैंने आपको रूल के अंदर बताया हुआ है, ही नोज हाउ टू राइड बाइक, उसको बाइक चलाना आता है, यानी इसका मतलब हो गया ही नोज हाउ टू राइड बाइक का मतलब हो गया उसको पता है कैसे बाइक चलाते हैं, या वो जानता है कैसे बाइक चलाते हैं. अगर हम इसे नेगेटिव बनाते हैं तो ही डजंट नो हाउ टू राइड बाइक, यानी उसको नहीं पता बाइक कैसे चलाते हैं.
तो क्या किया हमने, सिंपल अपने इस रूल को हमने फॉलो किया और हमने उसी के हिसाब से अपने सारे सेंटेंस बनाने शुरू कर दिए। लेकिन अगर हम इन्हीं सेंटेंस को अगर हम इंटरोगेटिव बनाना चाहें तो हमारा वो कैसे बनेगा। सपोज हमारा एक सेंटेंस है यहां पर कि डू यू नो, क्या तुम्हें पता है हाउ टू लर्न वो कैब इजली, यानी क्या आपको पता है कि वो कैब जो है आसानी से कैसे सीखते हैं। फाइन, या डज ही नो हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, क्या उसको पता है कॉन्फिडेंटली कैसे बात करते हैं। तो हमने क्या किया, पहले तो हमने सिंपल अपने सब्जेक्ट के बाद में नो का यूज किया और नेगेटिव हम अपने डोंट का यूज कर रहे थे और यहां पे हम डजंट का यूज कर रहे थे। अब सेम हमने यहां पे क्या कर दिया, जब हमने अपना सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल रखा तो हमने अपना डू पहले लगा दिया इंटरोगेटिव में, और हमने जब ही शी इट रखा तो हमारा डज पहले आ गया, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक रूल है हमारा। अगर आप इसको इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना चाहते हो तो आपका यहाँ पे डोंट और यहाँ पे डजंट आ जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं यहाँ पर भी, जैसे हमने बोला क्या आपको नहीं पता है कैसे लोगों से बात करते हैं, तो हमने क्या बनाया, डोंट यू नो हाउ टू टॉक विद पीपल, यानी क्या आपको नहीं पता है कि लोगों से कैसे बात करते हैं। फाइन, एक बार एग्जांपल लेते हैं, क्या उसे नहीं पता है कि चाय कैसे बनाते हैं, तो कैसा आ गया, डजंट शी नो हाउ टू मेक टी, सिंपल। तो हमने क्या किया, सिंपल वही फॉर्मूला फॉलो किया हमने, और फॉलो करने के बाद हमने अपना सेकंड जो डिफरेंट यूज था हमारा हाउ का, वो हमने अब कर लिया। अब इसके आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हाउ का इस्तेमाल करके हम चीजों को और कैसा अलग बना सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड डिफरेंट यूज ऑफ हाउ। फाइन, तो इस थर्ड पार्ट के अंदर हम करने जा रहे हैं, जब भी हम बात करते हैं कितना दूर, कितना पास, कितना मीठा, कितना खट्टा, कितना तीखा, कितना इजी, कितना भारी, कितना हल्का, इन सभी में हम हाउ का यूज करेंगे। और यहाँ पे हमारा हाउ का मतलब कैसे की बजाय कितना बन जाता है जब हम इसके साथ कोई भी एडजेक्टिव यूज कर देंगे। फाइन, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हमने लिखा हुआ है हाउ स्वीट, कितना मीठा, हाउ फार, कितनी दूर, हाउ बिटर, कितना कड़वा, हाउ थिन, कितना पतला, हाउ नॉटी, कितना शरारती, ये सारे हमारे क्वेश्चंस बनेंगे हमारे यहाँ पर। या हाउ हैवी, कितना भारी, हाउ क्यूट, कितना प्यारा, हाउ डीप, कितना गहरा, हाउ नैरो, कितना पतला। तो इन सभी वर्ड्स को हम यूज कर रहे हैं, इन सभी एडजेक्टिव को हम अपने यूज कर रहे हैं हाउ के साथ, और यहाँ पे हमारा हाउ का मतलब बन जाता है कितना। फाइन, ये हमारा बन गया कितना, अगर मैं इनको यूज कर रहा हूं एडजेक्टिव के साथ। फाइन, अब इनको हमें बनाना कैसे है उसका हमने यहां पे ग्राफ बनाया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको ये बनाना है। सबसे पहले तो आपको अपना हाउ के साथ वो एडजेक्टिव जो है वो पूरा का पूरा लिखना है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मोनू कितना मोटा है, तो कितना मोटा मेरा पूरा का पूरा हमारा एक हाउ के साथ एडजेक्टिव है जो पहले मेरा आ जाएगा। उसके बाद मुझे अपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से देखना है कि मुझे उसमें क्या क्या रूल अपना लगाना होगा। हाउ के बाद एडजेक्टिव, उसके बाद अगर मेरा प्रेजेंट है तो मुझे इज एम आर के बाद अपना सब्जेक्ट यूज करना है, और अगर मेरा पास्ट है तो मुझे हाउ के बाद एडजेक्टिव, उसके बाद वाज और वर में से एक यूज करना है, फिर उसके बाद मेरा सब्जेक्ट, और अगर फ्यूचर है तो मेरा यहां पर विल सब्जेक्ट बी। ये इस तरीके से हमारा रूल बनेगा। फाइन, अब इसको हम यूज करेंगे कैसे। जैसे यहां पर हमने एक सेंटेंस लिखा हुआ है How easy is English language? यानी English भाषा जो है वो कितनी आसान है। Fine. इसी अगर हम पास करते तो How easy was English language? यानी English भाषा कितनी आसान थी। Future में अगर हम आते तो How easy will English language be? यानी कितनी आसान English भाषा होगी। एक और example लेते हैं हम यहाँ पर। How beautiful are these trees? यानी ये पेड़ कितने सुंदर है। अब यहां पर तो मैंने क्या किया, सिंगुलर की बात करी, इसलिए मेरा जो हेल्पिंग वर्ब इज जो सिंगुलर को इंडिकेट करता है वो आ गया, और यहां पर हम बात कर रहे हैं ट्रीज की जो मोर देन वन है, यानी ये हो गया हमारे प्लूरल, जिसके अंदर हमने यहां पर अपना आर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के साथ लगता है वो हमने यहां पर यूज किया।
सेम ऐसे ही हमने यहाँ पर यूज किया वर का, क्योंकि वर जो है हमें हमेशा हमारा लगता है प्लूरल के साथ और वॉज लगता है हमारा सिंगुलर के साथ. तो हमने यहाँ बना दिया हाउ ब्यूटीफुल वर दीज ट्रीज, यानी ये पेड़ कितने सुंदर थे. अगर हम इसको फ्यूचर में लेके जाएंगे तो चाहे मेरा सिंगुलर हो चाहे मेरा प्लूरल हो, दोनों ही केस में मेरा विल ही लगेगा. तो हमने यहाँ पे यूज किया हाउ ब्यूटीफुल विल दीज ट्रीज बी, यानी कितने सुंदर ये पेड़ होंगे. तो इस तरीके से कभी भी अगर आपके सेंटेंसेस आते हैं जहां पर आपको लगता है कि बात की जा रही है कितना की, तो वहां पर हमेशा आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. जैसे कितनी बार, कितनी, कितना गहरा, कितना भारी, कितना हल्का, कितना मीठा, कितना कड़वा, कितना सच, कितना मजबूत, ये सारे हमारे ऐसे ही सेंटेंसेस बनेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से. आप इस फॉर्मूले को फॉलो करते रहो और अपने सेंटेंस को बनाते रहना. इसमें सभी आपके क्वेश्चन बनेंगे, मैं फिर बता रहा हूँ कि इसमें सारे आपको क्वेश्चन बनाने हैं. और हमेशा आपको अपने हाउ के बाद एडजेक्टिव का यूज करना है, फिर आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब भी यूज करनी है, तब आपको सब्जेक्ट यूज करना है. फाइन, चाहे वो आपका प्रेजेंट हो, चाहे आपका पास्ट हो, चाहे आपका फ्यूचर हो, जो हमने यहाँ पे रूल लिखा है इसी रूल के हिसाब से आपको ये फॉलो करना है. तो आज के हमने इस वीडियो में सीखे 3 different यूज ऑफ हाउ, जिसके अंदर पहला तो मैंने आपको बताया कि सिंपल कैसे हम उसको यूज करते हैं डब्ल्यूएच फैमिली का पार्ट समझकर. दूसरे में हमने आपको बताया किस तरीके से आप कैसा जो वर्ड है अपना यूज कर सकते हो नो वर्ब का इस्तेमाल करके. और थर्ड हमने आपको ये बताया ये वाला यूज, जिसके अंदर आप हाउ के साथ एडजेक्टिव लगाकर उस हाउ को हम कितना बना देते हैं. फाइन, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो. थैंक यू सो मच. दिस इज जस्सी साइनिंग ऑफ द डे.